सो गाइस, इतना अच्छा पूरा वीडियो मेरा ध्यान से सुनना। अब जो मैं कैप से कहने जा रहा हूँ पूरा ध्यान से सुनना। ऐसे ही चल रहा है रात का डेली का खाना, आई थिंक 2:30 बज रहा होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शाम को मैंने कहा था कि अब मैं HSI लेआउट जाऊंगा, तो दिस इज द स्टोर। लेट्स गियर अप, थोड़ा सा अंदर चलेंगे, पहले भैया से मिल ले। हेलो भैया, आप थोड़ा अपने आपको इंट्रोड्यूस। आई एम शरुण, आई राइड RX 135, अ क्लासिक 350 एंड KTM 390। So yeah, I just met him on the store here. And बहुत lovely, मतलब भैया अभी हम लोग आधे घंटे से बात कर रहे थे, मतलब मैं यहाँ पे कितने बजे आया था, 8 बजे रही, तो स्टोर बंद करने वाले थे, फिर भी मतलब थोड़ा सा काम है उनको, वो काम कर रहे हैं। बात करते करते यहाँ तक मतलब 1 घंटे हो गए, पता नहीं चला तो कितना कुछ नॉलेज मिला। फिर मैंने स्टार्ट को तो वीडियो देख के पता ही लग, जब वो ब्लॉग्स आएगा मतलब घर से स्टार्ट करें जो ब्लॉग्स है वो आएगा, तो पता लग ही गया होगा, मतलब लग जाएगा कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइडर। मैंने स्टार्ट किया मोटर ब्लॉगिंग एंड यहाँ से इतना अच्छा नॉलेज मिला। आप अगर यहाँ बैंगलोर से हो, कहीं से वीडियो देख रहे हो, आप अगर बैंगलोर आ रहे हो, प्लीज़ मेक अ विजिट इन दिस स्टोर। लेट्स गियर अप, स्टोर के अंदर चलेंगे अभी। एंड आपको इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते, राइट, मैं आप यहाँ पर डाल दूँगा, आप देख लेना उसमें। और मेरे हेलमेट मैंने ऐसे ही रख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बियर रहने देते ना इसको यहाँ पे। आई थिंक ओना का बाइक है, राइट, ओना का बाइक है, 390, राइट, एडवेंचर या 390, करेक्ट। तो गाइस ऐसे एंटर हम लोग यहाँ से किए। सो हाई भैया, आपका स्टोर है, राइट, आपका नाम थोड़ा बोल, राकेश। तो आप यहाँ पे आने से शायद कभी कभी मिलेंगे, आप हमेशा तो रहते हो, राइट। बहुत कुछ है भैया, क्या क्या ब्रांड्स है आपके पास, पहले तो ये जान लेते हैं। यहाँ से ग्लव्स लिया, ये वाला ग्लव्स मैंने लिया जो मतलब बाइक के ऊपर रखा है, और बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत कम्फर्टेबल। मैंने हार्ट ठंड पड़ गया, मतलब बात करते करते इतना कुछ नॉलेज मिला, सच में इतना कुछ नॉलेज मिला आप लोग से। मतलब राइडिंग इज एक्चुअली, इट्स नॉट अबाउट पुशिंग योरसेल्फ, इट्स एक्चुअली मतलब अपना कंफर्ट जोन में रह के आप कितना राइड कर सकते हो। कि मैं तो देखो मतलब वीडियो आने के बाद पता लगेगा कि मैं मतलब घर से निकला था श्रीकाकुलम पहुंचा, मेरा इतना तबीयत मतलब ख़राब हुआ, वो आपको वीडियो आने के बाद पता लगेगा कि कितना मतलब वीडियो में बोला हूँ। अब तो मोबाइल से देख रहा हूँ, मतलब ये तो डाल दूंगा वीडियो, क्योंकि ये मोबाइल से शूट है तो ये डाल दूंगा मैं घर जाकर। हेलमेट में वी हैव XMK Naxxon करेंटली, हां, इंटरनेशनल ब्रांड्स अभी BIS इंपोर्ट्स बंद हो रखे हैं, सो एग्जैक्ट, हां वो तो दैट इज नॉट देयर। बूट्स में फाल्को है, गार्ने है, सोलेस है, सोलेस, यस, डिफरेंट काइंड्स, एडवेंचर टूरिंग, रोड टू हाईवे, MX। किसी और का स्मॉल बजट भी होगा तो वो आके मतलब अपना बजट बोलने से क्लियर कर देंगे उसमें। बूट स्टार्ट फ्रॉम 10,500, पैकेट शुरू होता है 5750 Rhino Style GT, देन हेलमेट भी 4,500 के अराउंड स्टार्ट होता है, ग्लव्स अगेन 2,550। राइनॉक्स से आई थिंक मैं कोई कंपनी को कुछ बोलूंगा नहीं, बट राइनॉक्स से मुझे थोड़ा सा बेटर लगा VTEC। जो मैं ग्लव्स दिया जो घर पे मतलब DSG मेरे पास है वो तो फेक ना करूं, क्योंकि काफी टाइम से मेरे पास है 2014 से, और बहुत नकल्स है, बहुत हार्ड, मतलब इतना पेन हो रहा है, तो इसी के लिए मुझे चाहिए था, मतलब घर जाने के लिए कैसे भी चाहिए था। अब तो ये सब फिक्स की मैं ये गाड़ी तो सिटी राइड के लिए चलाऊंगा और आगे नहीं चलाऊंगा, क्योंकि इतना वाइब्रेशन और मैं पेन किलर लेना पड़ गया, मतलब आते वक्त ना श्रीकाकुलम में पेन किलर लिया, वहाँ पे विजयवाड़ा पेन किलर 2 टैबलेट था, तो वो मैंने अभी रिसेंटली एक परचेज किया, दैट इज ग्रैंड थेफ्ट ऑफ का एयर कुशन सीट, वो लगा के मतलब अभी लगा नहीं है, तो फिट करूंगा मैं, फिट करके आई थिंक 2 दिन राइड इन द सिटी विद दैट, यस, इसमें थोड़ा यूज टू होना। हाँ, और इनके पास देखिए गाइज मैट डॉग भी है, मैट डॉग, अब लाइट चाहिए तो ये भी ले सकते हो, डैश कैम इज ऑल्सो देयर जो कार के लिए होता है डैश कैम। And okay, you have this as well. Yes. This nice brand. Yes. अगर कोई मिनिमम अगर कोई GoPro नहीं परचेज करना चाहता तो यू कैन गो फॉर दिस। एंड अच्छा ये क्या, ये मैं एक चीज़ पूछना होगा, ये GitHub का स्लेव कैमरा, सो GitHub Duo का, दिस इज अ सेकेंडरी कैमरा फॉर द GitHub। ओके,
Lovely. Somebody has GitHub action camera. Huh. This is a secondary camera which can act as a slave. Lovely. So thank you, भैया, for giving me a lot of knowledge. And आपका राइडिंग मतलब कितना साल से आप राइड कर रहे हो? मेरा 2012 is officially जब खुद का बाइक से शुरू किया. And store, this is the oldest store in Bangalore now, many years old. Okay. Standalone riding gear store, we are there since 2012. Right. And so she started the store, and I joined as a partner as a owner in. जो हम लोग पहने क्वालिटी उतना पसंद आया. Like I was telling about the boots. Yes. Right. So there is a lot of small things that add to the boot. It's all the boot. The boot. The boot. The steel toe. Steel toe can cause risk. अगर वो राइडर यूज़ करे तो इट्स ओके. बट स्टिल जो भी बात ये है मुझे अपने राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस करके वो आपने बताया मुझे तो मैं वही फॉलो करूँगा. एंड यस वो तो राइड मतलब कन्वर्सेशन वो रिकॉर्ड नहीं करता है लेकिन तो अच्छा होता है. कभी करते हैं एग्जैक्टली. जब नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगा बैंगलोर ऑन अ न्यू बाइक सो उस टाइम करेंगे. एंड यही है कि मतलब स्ट्रेस नहीं लेना. बिंदास चलाओ खुश रहो. ऑलराइट गाइस सी यू देन ऑन द अदर वीडियो.